Today, I am going to teach you macroeconomics and what is the macroeconomics and what are the scope of macroeconomics and what is the importance of macroeconomics and why we need to study macroeconomics. So, class, it is your first topic in according to your syllabus. In first topics, start from macroeconomics, definitions, scopes and functions. So, and next your topic is national income. So first unit and it is your first topics. So today I am going to start with first topic, macroeconomics and scopes. Okay, so chaliye, and please I request you, please one by one please write down whatever I teach you in blackboards, because we are teaching online classes. So it's like I'm trying to make it like a real class. So please note down whatever I teach you point to points. Student, देखो macroeconomics हमने first year में पढ़ा था कि first year में हमें पढ़ा कि microeconomics, micro one and micro two. Micro का मीन होता है small individual study of thing. Like individual seller, individual buyer, individual customer, individual aggregate demand, individual supply. Okay, so this is called the microeconomics. And macroeconomics is talking about the aggregate. So first of all, hum karte hain, what is the difference between the micro and macroeconomics? Microeconomics is individual study, but macroeconomics talking about the study it refer as a aggregate economy. Aggregate economy means aggregate consumptions, aggregate demand, aggregate supply and aggregate saving, aggregate consumptions. So यहाँ पर है कि aggregate study करना है. ठीक, suppose that हम micro में पढ़ते थे कि demand और supply जहां पर टेंजन करता है ये प्राइस फिक्स हो जाता है, तो वो प्राइस इंडिविजुअल मार्केट का हो सकता था, इंडिविजुअल सेलर एंड बायर का हो सकता था. यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल प्राइस लेवल की बात करता है, इन्फ्लेशन और रिसेशन की बात करेंगे हम. ठीक है, तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द एग्रीगेट. सो एग्रीगेट में क्या क्या एग्रीगेट होगा हम आपको सीमें बताते हैं. एक इक्वेशन लिख लीजिए आप, इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस नेट एक्सपोर्ट. मे भी बहुत सारे बच्चों ने प्लस टू में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा. देखिए हम इसके लिए इसलिए लिख रहे हैं आपको कि इसी के बेस पर मैं आपको पूरा जो चैप्टर है कंसेप्ट को क्लियर करूंगा. ओके, अब हम यहां पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं Y का मतलब होता है पर कैपिटल इनकम. ओके, यानी कि Y का मतलब होता है नेशनल इनकम. ठीक है, यहीं से निकलता है नेशनल सेविंग. क्यों? क्योंकि Y इज इक्वल टू C प्लस CS लिखते थे फ्रेंड बेटा जी, तो हम सेविंग बराबर लिखते हैं Y माइनस C. तो सेविंग यहीं से निकल गया. आप इन्वेस्टमेंट बराबर Y माइनस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू Y माइनस यस लिखते थे, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट निकल गया. इसी तरह से G का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, जो कि मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे. नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, इसका मतलब आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या इम्पोर्ट करते हैं, दोनों के डिफरेंट को आप नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि कोई कि व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो सिंपल आपको रटना नहीं है, डिफाइन नहीं करना है, जस्ट एक वर्ड बोलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट पर कैपिटल इनकम या एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट सेविंग, ओके, या एग्रीगेट कंजप्शन या एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड एग्रीगेट नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस. सो दीज आर मोस्ट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो आप बोलेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स,
सो सिंपल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट द एग्रीगेट या होल इकोनॉमी, एंड होल इकोनॉमी रिलेटेड दीज टर्म, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसी में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं. क्लियर हुआ? सो प्लीज नोट डाउन करते रहिए साथ साथ. ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या हम एक वर्ड लाते हैं व्हाई वी नीड स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ना चाहते हैं. तो सिंपल सा यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि किसी कंट्री की जो ग्रोथ होती है या किसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है उसको मेजर करने के लिए हम क्या देखते हैं कि भैया पर कैपिटल इनकम हमारे देश की कितनी है, हमारे कंट्री का सेविंग रेट कितना है, हमारा डेट या कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ठीक है, या हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, हमारे देश का कंजप्शन लेवल कितना है, या हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे वर्क कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी सफिशेंट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. तो ये जो इंडिकेटर हैं यही दिखाते हैं कि कंट्री में ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, या इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमी अप जा रही है. तो ओवरऑल इन्हीं इंडिकेटर को पॉइंट करके हम बोलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑल एलिमेंट, ऑल इंडिकेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो बोलेंगे ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है. अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हम ये बोलेंगे इकोनॉमी रिवर्स जा रही है या बैकवर्ड हो रही है या पीछे जा रही है. तो ये स्टडी थी. लेकिन अब आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कोप, तब भी आपको ये लिखना है. व्हाट इज द फंक्शन, तब भी आपको ये लिखना है. और आपसे पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब भी आपको यही आंसर आएगा, अभी आपको बताता हूँ. और आता है कि व्हाट आर द एरिया स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पर हम उसे हम स्टडी करते हैं. तो देखिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर फंक्शन पूछा जाए या स्कोप पूछा जाए आपसे, या आपसे पूछा जाए एरियाज क्या होती हैं या व्हाई वी नीड स्टडी, तो सबका आंसर आपको एक लिखना है. और आपको बताना है कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये सब जरूरी होता है, इसीलिए हम स्टडी करते हैं. अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ. चलिए नोट करते जाइए. फर्स्ट है व्हाट इज द एरियाज ऑफ स्टडी. तो सबसे फर्स्ट एरिया आपका क्या निकला, नेशनल इनकम. लिखिए फर्स्ट नेशनल इनकम, ठीक है, हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे नेशनल इनकम इज क्या होती है. किसी कंट्री की नेशनल इनकम जिसे हम पढ़ते हैं जीडीपी, तो आप बोलेंगे नेशनल इनकम को, इन अदर वर्ड हम जीडीपी की बात करेंगे यहां पर. या अगर बाहर से भी पैसा जोड़ देंगे तो हम इसमें जीएनपी की बात करेंगे. और जब जीडीपी जीएनपी की बात करेंगे तो यहीं पर हम पर कैपिटल इनकम की भी बात करेंगे. जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटल इनकम भी आ जाती है. जब ये तीनों चीजें मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में पर कैपिटल इनकम ग्रोथ हो रही है या कम हो रही है, या हमारी कंट्री का जीडीपी बेटर हो रहा है या कम हो रहा है, जीएनपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. जब ये चीज़ें इनकी डिक्रीज के माध्यम से हम ये देखना चाहते हैं कि नेशनल इनकम में कितना अप्स डाउन आ रहा है. गवर्नमेंट हैज़ टेकिंग 5 ईयर प्लान एवरी टाइम. अब जो प्लान चल रहा है तो हर प्लान का एक टारगेट होता है कि आपको जीडीपी कितना ग्रोथ करना, पर कैपिटल इनकम ग्रोथ करना है, ठीक है. अच्छा, जब ये चीज़ें डिपेंड करेंगी तो जीडीपी जब ज़्यादा होगी तो सेविंग, तो यहीं पर आप पढ़ते हैं सेविंग रेट क्या है, सेविंग रेट. और सेविंग रेट बेटर होगा तो यहीं पर पढ़ते हैं आप इन्वेस्टमेंट रेट, क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट रेट बेटर है कि नहीं है. तो यानी कि पहला जो मेन टॉपिक है आपका कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, तो पहला है हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम जो हमारी कंट्री का जो इंडिकेटर है उसको दिखाता है, साथ साथ हमारी कंट्री का सेविंग रेट क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है, इसकी चर्चा करता है. और जब हम ये स्टडी रेट पढ़ते हैं तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन है क्या होगा, वो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा. और जब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा. और फिर हमारे कंट्री में फॉरेन इनकम क्या आएगी,
हमारे पास आएगी। तो यानी कि हमारे कंट्री में ये सारी चीज़ें किससे इंडिकेट हो रही है, नेशनल इनकम से, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये आएगा, कंजप्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी। ये चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं, नेशनल इनकम पे। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। सो प्लीज नोट डाउन, क्लियर। अब हम बेटा दोस्त लेते हैं दूसरा एग्जांपल, सेकंड हेड डाल लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, आप इस हेडिंग को डालने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको ये करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करते हैं हम, या मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसकी डिस्कस हम आगे करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि डेवलपमेंट इज डायनेमिक होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, और जो ग्रोथ होती है शॉर्ट टर्म होती है, अप डाउन होती है। जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इस साल कितना है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कितना है, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन कितना है, तो जब हम इसको पर ईयर मेजर करते हैं तो इसे बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट होता है वो हमेशा चलता जाता है, डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। जैसे एजुकेशन कितना बढ़ रहा है, हेल्थ का इंडिकेटर कितना बेटर हो रहा है, लिटरेसी रेट कितना बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना चेंज हो रहा है, हैं, और सोशल जो वुमन एम्पावरमेंट कितना चेंज हो रहा है, इनइक्वालिटी कितना डिक्रीज हो रही है, तो इन सब वेरिएबल को लेकर के हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। क्यों, क्योंकि जो नेशनल इनकम अगर बेटर है तो ये चीज़ें क्या होगी, बेटर होंगी, और जब ये चीज़ें बेटर होंगी तो ये दिखाएगा कि हमारी कंट्री का ये सब चीज़ें बेटर हैं, यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, सिंपली बताना है कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन होता है, ये लॉन्ग रन होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये कर देना। तीसरा लिखते हैं फ्रेंड, लिखिए बेटा एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट देखे होंगे, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड करता है, हमारी कंट्री की डिमांड पे। तो आपको बता दूं कि जब आपकी कंट्री में इनकम बेटर होगी तो क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, बेटर होगा। कंजप्शन बेटर होगा तो आपकी कंट्री का सेविंग्स क्या होंगे, इंक्रीज होगा। जब सेविंग इंक्रीज होगा तो आगे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो हमारी कंट्री में जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, डिमांड भी वो भी इंक्रीज होगी, प्राइस लेवल कम आएगा और डिमांड होगी और आप एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन स्टडी है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन सारे इंडिकेटर पे, क्योंकि यही इंडिकेटर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, यही इंडिकेटर एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करेंगे। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि जब हमारी कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और ग्रोथ कम ज़्यादा होगी जब आपकी कंट्री में नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो। क्यों, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, सेविंग रेट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बेटर कंडीशन में होगी। ठीक है, तो आपका ये थर्ड पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ पॉइंट लेते हैं जनरल प्राइस लेवल, फोर्थ पॉइंट है आपका प्लीज जनरल प्राइस लेवल। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट करते जा रहे होंगे। प्राइस लेवल क्या होता है, आपने इन्फ्लेशन सुना होगा, रिसेशन सुना होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन तब आती है जब मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिमांड्स ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत हाई लेवल पर हो जाता है तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन हो गई है, और जब प्राइस लेवल बहुत डाउन आ जाता है तो इसे बोलते हैं रिसेशन आ गई है। तो हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल स्टडी करके, यानी कि इंडिविजुअल मार्केट का प्राइस ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में जो ट्रेंड चल रहा है प्राइसेस का वो क्या है। इसमें हम कई तरह से मेजर करते हैं, आपने सुना होगा
जैसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, या और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, वो मेजर करते हैं कि कंट्री में प्राइस लेवल बढ़ रहा या घट रहा है। तो यानी कि अब देखो प्राइस लेवल घटेगा बढ़ेगा किस पर डिपेंड करेगा, नेशनल इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ग्रोथ पे, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हम इसमें जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला है बिजनेस साइकिल, फिफ्थ है BUSIES बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकल्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ नोट कर लिया होगा, मैं कुछ इरेज करूँगा। ओके, देखो मैं थोड़ा सा बिठा रहा हूँ, हम आगे तक के आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, कि इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन होता है किसमें, प्राइस लेवल में, अगर प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे बिजनेस साइकिल्स। और जो प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन होते इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, और जो ग्रोथ फ्लक्चुएट होगी तो नेशनल इनकम भी क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। तो सब चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, दो चीज़ें लेना है आपको यहाँ पर, तो एक होता है एक्चुअल जीडीपी, एक होता है रियल पोटेंशियल जीडीपी, हालांकि इसको हम बाद में बताएंगे आपको। देखो एक्चुअल जीडीपी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल ग्रोथ है, और पोटेंशियल जीडीपी है जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो यानी कि दोनों का डिफरेंस जो होता है वो इन्फ्लेशन और रिसेशन की बात करता है। आपको शॉर्ट कट समझा रहा हूँ, डिटेल बाद में समझाऊंगा। देखिए तीन है, तो मैक्रो इकोनॉमी जो स्टडी करता है इन वेरिएबल की करता है स्टूडेंट, कि ये मान लो पोटेंशियल जीडीपी होती है, ठीक है, और ये एक्चुअल होती है, एक्चुअल मान के चलो, ठीक है, तो जीडीपी है, एक्चुअल जीडीपी है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर इकोनॉमी बहुत यहाँ पर है, इसे बोलते हैं पीक, क्या बोलते हैं पीक, जब पीक होता है यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है प्रॉस्पेक्टिव, और पीक हो गया, इसके बाद गिरना, जब गिरना स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट तक बोलते हैं रिसेशन, क्या बोलते हैं इसको, रिसेशन, और जब बहुत नीचे तक आता है तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन, इकोनॉमी बहुत डिप्रेस हो जाती है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है फिर से रिकवरी, रिकवरी मतलब यहाँ से फिर से तेजी होना शुरू हो जाता है, तो और पीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो हम ग्रोथ में मजे करते हैं, हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। आपको ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमी में जो अप्स डाउन आता है उसे बिजनेस साइकिल बोलते हैं, और इस अप्स डाउन को, बिजनेस साइकिल को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही दिखाना चाहता है कि जो बिजनेस का अप्स और डाउन आना साइकिल्स है ये किसकी वजह से है, इन सारे इंडिकेटर वजह से है। अगर ये इंडिकेटर्स कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, ये सब नीचे आएगा तो क्या होगा, फिर आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइस लेवल कम होने मतलब कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी बहुत डेप्थ में चलेगी। और अगर ये इंडिकेटर अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो अगेन जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इम्पोर्ट कम होगा, जीडीपी बेटर होगा, यानी कि बेटर। तो ये इंडिकेटर अप्स और डाउन जाते हैं, इसी को हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। और अप्स डाउन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल है, वो क्या है, प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल चेंज होगा तो उसे बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स अप्स डाउन। इस वजह से जीडीपी, जीएमपी ये सब चेंज होता है, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट कुछ डाउन आ जाता है, तो जब बढ़ता होता है तो इसे प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, पीक पे होता है इसे बूम कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये नीचे आता तो रिसेशन बोलते हैं, जब ऊपर जाता है इसको आप बहुत डिप्रेशन में हो गई और बहुत पीक हो गई, इस बीच के एरिया को क्या बोलते हैं आप, रिसेशन, जब डाउन आना शुरू हो जाता है, बहुत डाउन आता फिर रिकवरी फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये घटना बढ़ना किसकी वजह से होता है। तो अगला जो टॉपिक आपका है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, सिक्स पॉइंट है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, प्लीज नोट डाउन। अब देखो मैं थोड़ा सा मिटा दूं, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में क्या दिखाते हैं, कि मॉनेटरी में हम इसमें क्या पढ़ेंगे आगे में, फिर नाम इसमें आरबीआई कैसे वर्क करता है, आरबीआई मनी सप्लाई कैसे निकालता है,
क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, बैंक कैसे उभर के करते हैं, कैसे वो मार्केटिंग मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई घटती है तो प्राइस घटता है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसी में होता है कि गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है, एक्सपेंडिचर कैसे करती है, ठीक है। हम यानी कि बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कैसे करती है, टैक्स कैसे लगाती है, टैक्स लगाने का मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाने से कितना जीडीपी बढ़ेगा। तो बेसिकली हम मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का रोल जो है एग्रीगेट पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब जैसे मैं यहीं पर आपको समझाऊँ कि अगर मान चलो बहुत ही महंगाई हो जाती है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा महंगाई है तो टैक्स को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, कम कर देगी। दूसरी बात, बैंक रेट वगैरह क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो जब बैंक रेट वगैरह इंक्रीज कर देगी तो ये लोगों की कंजप्शन फिर ये सब नीचे आना शुरू हो जाएगा, और अगर बहुत डाउन चली गई इकोनॉमी तो फिर क्या करेगी, यहाँ पर टैक्स को कम कर देगी, एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ा देगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इकोनॉमी कवर हो जाती है। तो बिजनेस साइकिल को कवर करने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे हम मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। यहाँ तक समय आ गया होगा, हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्लीज नोट डाउन करते जाना। हमने आपको एरियाज कितने पढ़ा दिए अभी तक, 6 एरियाज पढ़ा दिया। मैं इसको इरेज करता हूँ, उम्मीद करता नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मतलब नेक्स्ट हमारा जो एरिया है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। अब आप बोलेंगे कि नेशनल ट्रेड हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने इसको पढ़ा दिया, कंजप्शन इन्वेस्ट पढ़ा दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ा लिया, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा लिया, सप्लाई पढ़ा लिया, अब हम इसकी बात करते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करता है वो ओपन इकोनॉमी की बात करता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरी कंट्री का होता है। तो इस इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, ठीक है, और एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट जिसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो हमें ये देखना है कि नेट एक्सपोर्ट हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, आइदर इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो जब ये चीज़ें, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो नेट एक्सपोर्ट बेटर होगा, तो यानी कि आपकी कंट्री में ये चीज़ें क्या होंगी, बेटर होंगी, और जब ये चीज़ें बेटर होंगी तो आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा, जीडीपी बेटर होगा, पर कैपिटा इनकम बेटर होगा, प्राइस लेवल बेटर होगा, ठीक है। और अगर आपका इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है तो ये चीज़ें रिवर्स में चली जाएंगी। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में ये पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से हम पॉलिसी अडॉप्ट करें कि हमारी कंट्री का ये जो कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें बेटर हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये इससे बेटर होने से हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट बेटर होगा, यानी कि हम इसमें एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर जाके पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिटरमिनेशन कैसे करते हैं। फिर इसी में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन आवर इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर है, इसका मतलब आपकी कंट्री में सब चीज़ें बेटर हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी कंट्री में सब चीज़ें बेटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे जो कि डिटेल में जा करके। तो इन शॉर्ट में आपको कहना चाहता हूँ कि इस क्लास में आज इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अगर स्कोप पूछा जाए या फंक्शन पूछा जाए या वाई वी नीड स्टडी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ये 6 टॉपिक शॉर्ट टॉपिक लिखेंगे कि व्हाट आर द एरिया। अगर एरिया रटना है तो आपको रटना नहीं, आपको ऐसे लिख लेना, और ये एरिया ओपन सेक्टर डोमेस्टिक सेक्टर की बात करता है। तो ये एरिया को हमने क्या किया, पॉइंट वाइज बांट दिया, ठीक है, तो ऐसा तो भूलेगा नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, करंट प्राइस लेवल, बिजनेस साइकल्स, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप अब डिफिनेशन कुछ भी बना सकते हैं। स्टडी अब पूछा जाए व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द एग्रीगेट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नेट एक्सपोर्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो व्हाट इज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चारों पॉइंट मैंने एक ही लेक्चर में आपको कवर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वारी तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप
जरूर पूछ लेना, प्लीज नोट डाउन, थैंक यू।